सुशांत मर्डर मामले में 8 जून वाला कांड। जी हां, आपको तो याद होगा, ये वही दिन था जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर अपना घर जाती है। लेकिन सुशांत के घर में एक बड़ी साजिश होती है। साजिश इस बात को लेकर कि सुशांत के कंप्यूटर में जितने भी डेटा थे उसको आईटी एक्सपर्ट के द्वारा डिलीट करवा दिया जाता है, पूरे कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया जाता है। सुपर ऐप के जरिए उस कंप्यूटर से वो सब कुछ उड़ा दिया जाता है जिसमें कई सारे सबूत मिल सकते थे। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती की ये चालबाजी एक बार फिर से बेनकाब हो चुकी है। पेन ड्राइव, जी हाँ, बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के उसी बिल्डिंग में उनकी पानी टैंकी से वो पेन ड्राइव मिल चुका है जो अब सुशांत के कातिलों का राज खोलेगा। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के घर में जितने भी कंप्यूटर थे, लैपटॉप थे और मोबाइल में जितने भी डेटा थे उन सबको डिलीट करवाया, वो भी आईटी एक्सपर्ट की मदद से। लेकिन अब यह शक जताया जा रहा है कि जो पेन ड्राइव उनकी पानी टैंकी से मिला है वो सुशांत सिंह राजपूत ने छुपा के रखे थे। दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया को पता है कि सुशांत की मर्डर की साजिश कई सालों से चल रही थी और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती सुशांत के बेहद ही करीब थी। और बताया जा रहा है कि सुशांत की मर्डर की साजिश में रिया चक्रवर्ती का सबसे बड़ा हाथ है और अब रिया चक्रवर्ती और रिया के जितने भी करीबी हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। और सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो सुशांत के पीछे पड़े थे वो वाकई में अब एक्सपोज होने वाले हैं। हो सकता है कि सुशांत के उस पेन ड्राइव में उन तमाम कातिलों से जुड़े कई सबूत मिल सकते हैं जिसके बाद वाकई सुशांत का असली कातिल सीबीआई के पंजे में होगा। मौत से कुछ महीने पहले से ही सुशांत से जुड़े कई ऐसे एक्टिविटी, कई ऐसे राज पूरी दुनिया के सामने आ रहे थे जिसके बाद उनके परिवार और उनके फैंस के दिमाग में शक पैदा हो रहा था। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मामले में रिया चक्रवर्ती अब पूरी तरीके से घिर चुकी है। मैं आपके सामने वो सबूत भी रखूंगा जो कि पेन ड्राइव में है और इसके बाद रिया चक्रवर्ती के पास से बताया जा रहा है कि 3 सेकेंड की कॉल रिकॉर्डिंग मिली है और ये कॉल रिकॉर्डिंग 5 जून की है। रिया चक्रवर्ती के मोबाइल पर HDFC की तरफ से एक मैसेज आता है और मैसेज के बाद रिया ने सुशांत को महज 3 सेकेंड कॉल करती है, 3 सेकेंड बातें होती है। 3 सेकेंड में वो कौन सी बातें हुई है ये सब कुछ मैं आपके सामने लीक करने वाला हूं। ये 3 सेकेंड की कॉल रिकॉर्डिंग और ये पेन ड्राइव सुशांत के कातिलों को हवालात की हवा अब खिलाने ही वाला है। दोस्तों, सीबीआई पूरी तरीके से सुशांत के कातिलों को पकड़ने में लगी है, खून पसीना एक करके रात भर जग कर सीबीआई सुशांत के कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इसी का नतीजा है कि एक के बाद एक सबूत अब सामने आ रहे हैं। पेन ड्राइव, 3 सेकेंड की कॉल रिकॉर्डिंग और उसके बाद चश्मदीद, गवाह, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सीबीआई के हाथ में लगी है। अब ऐसा लगने लगा है कि सुशांत का कातिल जल्द ही सीबीआई के पंजे में होंगे और जिस तरीके से सुशांत मर्डर मामले में पूरा देश आज भी जागरूक है, ऐसा लग रहा है कि ये जागरूकता सुशांत के कातिलों को जरूर फांसी के फंदों तक पहुंचाएगा। जिक्र कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े उस पेन ड्राइव की। इस बात की जानकारी पूरी दुनिया को है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के घर से उन सारे डेटा को खत्म करवाया जिससे रिया चक्रवर्ती फंस सकती थी और रिया चक्रवर्ती के जितने भी सहयोगी हैं सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की साजिश में जितने भी लोग शामिल हैं वो लोग फंस सकते थे। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। दोस्तों, सुशांत मामले में 2 सबूत रिया से जुड़े हुए, वो पेन ड्राइव वाला और 3 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग। अब लगने लगा है कि सुशांत सिंह राजपूत का असली कातिल जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री से जुड़े वो पेन ड्राइव वाला सबूत और रिया चक्रवर्ती की 3 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग जो कि सुशांत से उन्होंने बातें की थी और ये सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच फोन पर आखिरी बातचीत थी, इन तमाम सबूतों को मैंने आपके सामने रखा है, पूरा वीडियो देखिए। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मामले में एक के बाद एक गवाह आए, चश्मदीद आए और सबूत आए। अब ऐसा सबूत आ गया है जिसके बाद वाकई किसी को भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इस मामले में अब तक ये सबूत किसके पास था। जी हां, 3 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग कौन छुपा के रखा था जो अब सीबीआई के हाथ में लगी है। दोस्तों, इस पर भी चर्चा करेंगे और 8 ऐसे संदिग्ध लोगों की ऑडियो टेप भी सीबीआई के हाथ में लगी है जिसके बाद से अब सीबीआई पूरी तरीके से हरकत में आ गई है। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से जो बातचीत की है ये बातचीत 5 जून की है और उनके बीच ये आखिरी बातचीत है और बातचीत महज 3 सेकंड की। 3 सेकंड की बातचीत में आखिर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को क्या कहा ये पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन मैं इसके पहले आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि ये कॉल कब गया।
जी हाँ, 5 जून को रात 9:02 पर रिया चक्रवर्ती के पास HDFC बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है। फिर तुरंत 9:03 पर रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को कॉल लगाती है और उस कॉल में महज 3 सेकंड बातें होती है और बताया जा रहा है कि इसका तार उन 8 लोगों से है जिनका ऑडियो टेप CBI के हाथ में लगी है। CBI ने मुंबई हाईकोर्ट से ये गुजारिश की है कि 8 व्यक्ति जिस पर उनको शक है, जिस पर बता जा रहा है कि उनको इस बात का शक है कि वो उसी व्यक्ति का ऑडियो टेप हो सकता है, मुंबई हाईकोर्ट से उन्होंने इस बात की इजाजत मांगी है कि उन 8 व्यक्तियों की आवाज का सैंपल मुझे दिया जाए और उस आवाज के सैंपल के जरिए उस ऑडियो टेप को मिलान किया जाएगा और फिर कातिल का पता लगाया जाएगा। ये वाकई में काफी अहम है। सुशांत मामले में CBI अब तक खामोशी से जांच पड़ताल कर रही थी। पूरा देश कह रहा था कि CBI कुछ नहीं कर रही है, वो खामोश क्यों है? लोग कह रहे थे कि अब इस पूरे मामले में CBI केस बंद कर देगी। लोग क्या, सुशांत सिंह राजपूत के विरोधी कह रहे थे, रिया चक्रवर्ती के सपोर्टर कह रहे थे, महेश भट्ट के समर्थक कह रहे थे, अब वो लोग बेनकाब हो चुके हैं। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है जो चीख चीख कर कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI को कुछ नहीं मिला है। अब देखो CBI को क्या क्या मिल चुका है। 3 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग और 8 लोगों के ऑडियो टेप ने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का खेल ही बदल दिया है। दोस्तों, इस मर्डर मामले की जांच अब पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर भी टिकी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले में विकिपीडिया को ले लें या फिर इजरायली तकनीक की बात करें, फिर ऑडियो टेप और कॉल रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ तकनीक से जुड़ा हुआ है। CBI के पास अगर इन तमाम चीजों के जरिए सबूत इकट्ठा होते हैं तो ये सबूत पुख्ता होगा और अदालत में जब इन्हें पेश किया जाएगा तो वाकई में उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को फांसी होगी। लेकिन जिस तरीके से 8 लोगों के ऑडियो टेप और रिया चक्रवर्ती के 3 सेकंड वाले कॉल रिकॉर्डिंग और फिर HDFC का मैसेज आया, ये वाकई में कई सवाल खड़े करते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने ये संगीन आरोप लगाए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के 17 करोड़ रिया चक्रवर्ती और उनके करीबियों ने हड़पे हैं और अब HDFC की तरफ से जो रिया चक्रवर्ती को मैसेज आया वाकई में सवाल खड़ा करता है कि सुशांत मामले में क्या रिया चक्रवर्ती का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि HDFC से मैसेज आना, फिर रिया चक्रवर्ती का सुशांत को कॉल जाना और महज 3 सेकंड बातें होना, क्या ये पूरा एंगल पैसों पर जाकर टिकता है? क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के पीछे पैसों का एंगल है? ये जांच का विषय है। दोस्तों, सत्य की हमेशा विजय होती है। ऐसा लग रहा है कि सुशांत का कातिल जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में जो हम आवाजें बुलंद कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।